डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नितिन कोतरे फ्रॉम यवतमाल महाराष्ट्र, हिंदी में नाम तो एक ही है। मुझे याद है 25 मार्च 2017 का दिन था, मैं ट्रेन में था, यूपी में बनारस में हमारी ऑल इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जनरल मीटिंग की, इलेक्शन मीटिंग की हमारी तैयारी चल रही थी। मैं ट्रेन में था, मैं वहां जा रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर जी, दिस इज अ वेरी वेरी सर जी, ये बहुत बहुत सीरियस मैटर है और ये मैटर जो है ये हमको तुरंत इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखिए, 25 तारीख थी, 25 तारीख को मुझे व्हाट्सएप पे वो मैसेज मिला। 26 तारीख को मैंने वो मीटिंग में, वाराणसी की मीटिंग में वो मैंने सब्जेक्ट सबके सामने रखा कि ये ऐसा एनसीआईएसएल नाम का बिल है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे फ्रेटर्निटी के, हमारे प्रोफेशन के ऊपर हमारा जो पुराना लॉ है उसको रिप्लेस करके ला रही है। तो वो जो बिल था उसको पढ़ने के बाद हमारे ऐसा ध्यान में आया कि सबसे पहली बात, द लास्ट डेट फॉर द ऑब्जेक्शन वॉज 27 तारीख, सिर्फ एक दिन का वक्त था। और मैंने तुरंत हमारे प्रेसिडेंट जी, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जी से बात किया और उनको कहा कि भाई ये जो बिल है ये बहुत बड़ा सीरियस बिल है, इसके अंदर के जो हमारे प्रावधान है, जो हमारी वहाँ लिखे हुई जो डिफिनेशन है और जो दूसरे हमारे राइट्स है वो इसमें हमको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जो हमारे 1970 के एक्ट में थे। तो सी द ड्यूटी ऑफ एसोसिएशन हुई इज एक्टिंग ऑल ओवर इंडिया, एक ही दिन में तुरंत उसी दिन उसी वक्त हमारे प्रेसिडेंट जी और पूरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने हमारे दिल्ली किया, कॉन्टेक्ट करके उनको कहा कि भाई ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन का है, हमारी दिल्ली बैंक जो है तुरंत नीति आयोग पहुंच गई और उन्होंने हमारा डेट एक्सटेंड करके दिया जो हमको 20 अप्रैल की तारीख मिली। ये हमारे संगठन का इस विषय का सबसे पहला कदम है कि क्यों हमारी ऑल इंडिया लेवल की एसोसिएशन है जो हमको ऑल इंडिया लेवल के प्रॉब्लम के लिए चाहिए। उसके तुरंत बाद हमने लीगल सेल की मीटिंग बुलाई, निमा सेंट्रल के सभी पदाधिकारी आए, मुंबई में वो मीटिंग हुई। मुंबई में हमारी मीटिंग 2 दिन चली, उस पर विश्वास कीजिए 2 दिन सुबह हम 8 से रात को 10 बजे तक कंटिन्यू उसकी स्टडी करते थे और उसकी स्टडी करके हमने जो उसमें से कुछ प्रावधान निकाले, कुछ सेक्शन निकाले, तो हमारे उसके ऊपर 27 ऑब्जेक्शन ऐसे थे, नई बिल में 27 ऑब्जेक्शन हमारे ऐसे थे कि जिसके ऊपर हमारा ध्यान हमको आकर्षित करना जरूरी था। फिर हमारे मीटिंग में ये बात ऐसी हुई कि अगर हम 27 के 27 अगर पूरी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और वो गवर्नमेंट हमारी 26 डिमांड कबूल करती है और एक जो मेन डिमांड है जो हमारी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस की डिमांड है, एलोपैथी यूज करने की डिमांड है, मॉडर्न मेडिसिन यूज करने की डिमांड है, अगर वो कैंसिल करती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो हमने वो लिस्ट कट शॉर्ट करके उसको हमने 12 पे लाया और 12 जो पॉइंट है वो 12 पॉइंट पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया। ये वही 12 पॉइंट है जो हमने ईमेल में भेजे हैं और जो निवेदन के साथ हमने अभी कलेक्टर को दिए हैं। तो हमारा मेन प्रॉब्लम जो एसोसिएशन बिल है वो इसका ऐसा है कि 1912 है, 1918 है, 1916 है, जब मुख्तारचंद की केस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चालू थी, तब हमारे ध्यान में आया कि हमारे अधिकार 1912 से हमारे पास चालू है। आज 105 साल हो गए वो अधिकार को जो हम अधिकार मांग रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये 105 साल का हम अधिकार मांग रहे हैं। 15 अगस्त 1947 आपको पता है, सबको मालूम है, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उसके आगे की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 13 अप्रैल 1948 को निमा की स्थापना हुई। आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि जैसा देश स्वतंत्र हुआ उसी वक्त निमा की स्थापना करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जो इंटीग्रेशन के अधिकार थे वो उसके अधिकार के संरक्षण के लिए हमें कोई एसोसिएशन स्थापन करना था और हमने वो स्थापन कर ली। उसके बाद 1970 में जो हमारा नया एक्ट आया, एमसीसी एक्ट 1970, वो 1970 एक्ट में जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 में और जो 17(3)(b) के तहत हमारे अधिकार है जिसके तहत राइट टू प्रैक्टिस एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिया है, इसका 1970 से बाद में मुख्तारचंद की केस और बाद में बहुत सारे प्रदेश के हाईकोर्ट की केसेस में ये पॉइंट के ऊपर हम लड़ते रहे हैं और इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए जो कहा है सेक्शन 2 टू बी रीड विद सेक्शन 17(3)(b), उसके तहत आज हमारे अधिकार हमको मिल रहे हैं।
आज तक हम मुख्तार सिंह के केस के बाद ये अधिकार के बारे में लड़ रहे थे, वो अधिकार जो जो स्टेट में नहीं है वो स्टेट में हमने मिलाने की कोशिश की थी। मुख्तार सिंह केस के बाद हमने वो बहुत सारे स्टेट में इसके ऊपर हमने बड़ा कार्यक्रम लिया है। वो कार्यक्रम के तहत आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि 8 से 10 स्टेट में आज हमको एलोपैथी का अधिकार मिला। लेकिन ये सब चीजों का जब हम अध्ययन कर रहे थे तब मेरे ख्याल में एक बात है, आज यहाँ भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसे हैं कि जिनका प्रोफेशनल स्टैंडिंग 5 साल से ज्यादा का है, 5 साल के ऊपर, और हमने हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो किया है ट्रेनिंग और टीचिंग के हिसाब से वो हमने आयुर्वेदिक इंटीग्रेटेड विथ एलोपैथिक मेडिसिन ऐसा किया है। लेकिन आज बात ऐसी हुई है कि मुझे एक बात याद आ रही है, ना खुदा ही मिला ना विशाल सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये जब सब हम पढ़ाई कर रहे थे, इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, और इसका हमने जो बिल में निकाला है वो बिल का जो 12 डिमांड है उसमें से हमारे सबसे मेन डिमांड है हमको एलोपैथी दवाई यूज करने का, मॉडर्न मेडिसिन यूज करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात जो कह रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निमा नहीं कह रही है, लीगल सेल नहीं कह रही है, ये पूरा इंटरप्रिटेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सब स्टेटमेंट जो दिया है उनके जो वर्डिंग है उनके जो डिसीजन में दिए हुए वर्ड है शब्द है उसके तहत हम ये डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन हमको इतना पता है कि हमसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार चंद में जो केस में जो मेंशन किया है उसके हिसाब से हम आज ये अधिकार मांग रहे हैं। दूसरी बात, ये हम जो अधिकार मांग रहे हैं ये ऐसा तो कोई अधिकार नहीं है कि भाई हमको ट्रेनिंग दो हमको टीचिंग दो ये वो, ये पूरा के पूरा जैसा टिमुरनिकर सर ने कहा है हमारे सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूड है, इसका फार्माकोलॉजी से लेके बाकी मॉडर्न सब्जेक्ट तक सब हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। हर जगह जो हमारे स्टेट के जीओ और जीआर निकलते हैं उसमें एक वर्ड आता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग हम एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अप टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग कहाँ से अगर आता है तो वो सिलेबस में से आता है। हमने नीति आयोग के पास गए, हम मंत्रालय में गए, हम सेक्रेटरिएट में गए, हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, हम सबको मिले, हमने सबको हमारे सिलेबस की तक्की कॉपी दे दी है। हमारे पास हमारा सिलेबस जो पुराने जमाने का है वहाँ से लेके तो आज 2016 तक का सिलेबस हमने वहाँ सबमिट किया है। हर जगह ऐसा मेंशन किया है कि हमको एलोपैथी का अधिकार ये सिलेबस के तहत मिल रहा है, ये सिलेबस के तहत हमको अधिकार है। हमारा ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम PSC में होता है, कॉटेज हॉस्पिटल में होता है, सिविल हॉस्पिटल में होता है, मेडिकल कॉलेज में भी होता है, वहाँ कैजुअलिटी में भी हमारी ड्यूटी लगती है। मैं तो ये कहूँगा जो हमारी जो ये सरकार है ये सरकार के पास एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। जो हम कह रहे हैं 2000 मिशन 2000 था, हेल्थ मिशन 2000, उसमें हमने ऐसा प्रपोज किया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ टू ऑल, ये बहुत अच्छा मौका उनके पास है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तुम 7 लाख के ऊपर के ISM डॉक्टर को एलोपैथी अलॉट करो और हेल्थ टू ऑल का टारगेट एक झटके में पूरा करो। इसमें तुमको ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की गरज है ना कोई पैसे लगने वाले। मैं तो कहूंगा पूरे भारत की ये अकेली ऐसी स्कीम होंगी जो 0 पैसे बजट में सबके पास हेल्थ पहुंचा देगी। तो ये जो हमारा अधिकार है ये अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए गौर से, ये बात ध्यान में रखिए, जिस दिन जिस वक्त NCISM बिल पास हो जाएगा, जिस दिन जिस वक्त NCISM बिल पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट जी की माननीय अध्यक्ष जी की साइन हो जाएंगी, उसके दूसरे दिन से अगर ये प्रोविजन उसमें नहीं रही तो तुम सबका एलोपैथी लिखने का अधिकार चला। हम सब डॉक्टर लोग जो 7 लाख 7.5 लाख लोग हम जो बोल रहे हैं पूरे इंडिया में, वो सब डॉक्टर लोगों का एलोपैथी मेडिसिन का राइट टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन का अधिकार हमारे पास से छीना जाएगा, हमारे पास वो अधिकार रहेगा नहीं। हाँ, लीगल सेल सब चीज के लिए लड़ रहा है, लीगल सेल इसके बाद भी लड़ेगा, अगर ये बिल पास भी हो गया तो उसके ऊपर भी हम चैलेंज करके लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये बिल प्रोग्रेस होने के पहले अगर इसमें अमेंडमेंट हो जाए और ये बिल प्रोग्रेस होने के पहले अगर हमारे अधिकार जैसे के वैसे तस रहे तो हमको आगे चल के कुछ ज्यादा टेंशन लेने की आंदोलन करने की गरज नहीं होगी। अगर ये बिल पास होता है और अगर हमारे अधिकार रहते हैं हमारे पास, तो हमारे सब 7.5 के 7.5 लाख डॉक्टर, मैं ये
इसकी इनके डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके ऊपर जो करोड़ों जनता डिपेंड है। अभी जो अध्यक्ष जी ने भाषण में कहा था कि हमारे ट्राइबल एरिया में, रूरल एरिया में डॉक्टर नहीं है, करोड़ों की जनता जो है उनका भी भला होने जा रहा है। यह आंदोलन सिर्फ हमारा नहीं है, यह आंदोलन हमारे साथ हम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, इसी तरह तुम्हारा प्यार हमारे साथ रखते जाओ। निमा हरदम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहेंगी। निमा मैं हूँ, मैं निमा हूँ, मेहरबान होके बुला लो चाहे मुझे। जिस वक्त मैं गया वक्त नहीं हूँ जो लौट के आ भी ना सके। भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमको हमारे अधिकार मिलेगा, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय धन्वंतरी, जय निमा, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हमारे लीगल एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नितिन खेतले जी, आपका ओजपूर्ण भाषण और वक्तव्य बहुत ही हमारे लिए मार्गदर्शक का रूप लिया। अब मैं बहुत दूर से आए देश के कोने से, मैं कर्नाटका के डॉक्टर भूषण उम्मक जी को आग्रह करूंगा।